हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब तक हमने जो पढ़ा था वो डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट निकाले जाते हैं और उनके कुछ यूज पढ़े थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं तो उसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला एग्जाम्पल है बाई मीन ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड वैल्यू ऑफ F2, F8 एंड F15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल दी हुई है हमारे पास, टेबल में वैल्यू दी हुई है एक्स बराबर 4 पर 48, 5 पर 100, 7 पर 294, 10 पर 900, 11 पर 1210, 13 पर 2028। अब फ्रेंड्स ये दी हुई है हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे इसको हम X0 मान लेते हैं, इसको X1 मान लेते हैं, X2, X3, X4, X5। तो ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो होता था वो होता था हमारे पास Fx बराबर Fx0 प्लस एक्स माइनस X0 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ X0 X-X1 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ डबल डिवाइडेड डिफरेंस होता था F X0 का। इसी उसी फॉर्मूले हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो Fx बराबर हो गया F4 X-X4 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 5 F4 प्लस X-4 X-5 डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, डबल डिवाइडेड दो बार डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा ये, और F4 फिर X-4 X-5 X-6, उसके बाद ट्रिपल डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा F4 इसका। और इसी तरह से फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स हम इसके लिए पहले टेबल बनाते हैं, क्योंकि टेबल बनाने पर ही हम इनमें डिवाइडेड डिफरेंस F4 की डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, F4 डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब, F4 इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसकी टेबल बनाने के लिए ये लिख दिया हमने यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ Fx डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ डबल डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ Fx ट्रिपल डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ Fx एंड फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ Fx, ये निकालने हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो x की वैल्यू दी हुई है 4, 5, 7, 10, 11, 13, तो उनको यहाँ पुट कर लेते हैं। 4, 5, 7, 10, 11, 13 ये हो गया। अब फ्रेंड्स इस पे जो Fx की वैल्यू हुई दी हुई है 4800, 294, 900, और ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास। Fx की वैल्यू यहाँ पे थी अपने पास 48, ये थी 100, ये थी अपने पास 294, ये थी 900, ये 1210 और 2028 ये वैल्यू थी फ्रेंड्स हमारे पास। अब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, 100 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 52। इसी तरह यहाँ पे क्या, तो 294 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 194 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 97। इस तरह इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 एंड 3, तो हो जाएगा हमारे पास 202। इसी तरह यहाँ से किया तो यहाँ पे हो जाएगा 310, और यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 409। अब फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या करना होता है हमें, 97 माइनस 52, 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, यानी कि हमें इस बार दो का अंतर लेके चलना है, इसको बीच वाले को हटा देना है। नेक्स्ट टर्म में 10 माइनस 5 कर देंगे, जैसे यहाँ पे क्या 97 माइनस 52, 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 15। इस तरह यहाँ पे क्या हमें, तो 202 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास 21। इस तरह 310 माइनस 202 डिवाइडेड बाई 11/7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स इस तरह 33। अब यहाँ डेल क्यू एफ एक्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10/4, क्योंकि थर्ड निकाल रहे हैं तो हमें दो बीच में से लीव कर देनी है, तो 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा अपने पास फ्रेंड्स 1, ये भी 1 एंड ये भी 1,
और डेल फोर जो आ जाएंगे वो सभी जीरो आ जाएंगे, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। वन अगर डेल फोर निकालना होता है, वन वन नहीं होते, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो होता है उसमें से इसको माइनस करते, डिवाइडेड बाई 11 माइनस 4 करते, ये हो जाएगा और ये भी जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो फॉर्मूले आ चुके हैं, ये फॉर्मूले हमें इस सॉरी ये जो वैल्यू आ चुकी है इस टेबल की वैल्यू, ये हमें इस वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 48, एफ फोर इक्वल टू 48 प्लस एक्स माइनस फोर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ फोर प्लस एक्स माइनस फोर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ फोर कर दो 52 प्लस इस तरह एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव डबल डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ फोर, तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन एंड मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एफ एक्स बराबर आ गया हमारे पास। अब हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स हम देखते हैं ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू जो आएगी एक्स क्यूब में आएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व आप कर सकते हो, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये सॉल्व करने पे आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हमारे पास पूछा क्या है, एफ टू पूछा है, तो एफ टू इसमें टू एक्स बराबर टू रख देने पर फोर हो जाएगा। एफ एट पूछा है तो एफ एट हो जाएगा 448, एफ 15 पूछा है तो वो हो जाएगा 3150। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके चेक भी कर सकते हो फ्रेंड्स।